देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना के दायरे में मिडिल क्लास समेत सभी को लाने की तैयारी की जा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार किसी भी समय इसका ऐलान कर सकती है। सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की इस योजना के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए सरकार लोगों से प्रीमियम की रकम लेने पर भी विचार कर रही है। अभी गरीबों को मुफ्त इलाज पर प्रति परिवार 1100 रुपए खर्च आने का आकलन है। इसका खर्च केंद्र व राज्य सरकार उठाती है। अगर इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बाकी लोगों से प्रति परिवार 2200 रुपए सालाना प्रीमियम भी लिया जाए तो इतना फंड होगा कि सरकार के लिए यह योजना एक तरह से फ्री हो जाएगी। हेल्थ कवर का दायरा 5 लाख से ज्यादा चाहिए तो टॉपअप की सुविधा देने पर भी विचार हो रहा है। 25 सितंबर को शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में भी सरकार के पैनल में शामिल किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा है। लाभार्थियों की लिस्ट में फिलहाल 10 करोड़ 74 लाख गरीब परिवारों यानी 50 करोड़ से ज्यादा की आबादी को रखा गया है। मोदी सरकार 2019 का चुनाव जीतने के बाद इस योजना के दायरे में सभी को लाएगी, लेकिन सरकार को 2019 की डगर मुश्किल लगी तो विधानसभा चुनाव के बाद इस योजना के दायरे में सभी को लाने का बीजेपी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यह दाव मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी चुनौतियां भी कम नहीं। सभी को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए राज्य सरकारों को राजी करना होगा। लाभार्थी को हेल्थ कार्ड देने का सिस्टम आसान बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन में ही काफी शिकायतें मिली। ज्यादा अस्पतालों को जोड़ना होगा क्योंकि कई अस्पताल समय से पेमेंट न मिलने से खफा हैं।